हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू से। ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है अनाई बुड्डी, जिसकी हाइट है 2695 मीटर, जो कि सह्याद्री रेंज पे सिचुएटेड है। डेक्कन प्लेट्यू का जो एरिया आता है वो विंध्या रेंज है, जो विंध्या रेंज के जो साउथ वाला एरिया आता है वो आता है डेक्कन प्लेट्यू का। जैसे ऐसे इंडिया का साउथ वाला हो गया, यहाँ पे आ जाएगा विंध्या रेंज। विंध्या रेंज के जो साउथ वाला एरिया है वो सारा आ जाएगा डेक्कन प्लेट्यू का। डेक्कन प्लेट्यू की जो वेस्टर्न एज है अरेबियन सी से लेकर जो आती है, वो जो उसकी हाइट है वो स्टीप है, वो स्टीपली अरेबियन सी से ऊपर उठी हुई है थोड़ी सी, और साथ में बनाती है वेस्टर्न घाट्स। जो सह्याद्री रेंज है वो वेस्टर्न घाट्स पे ही सिचुएटेड है। यहाँ पे आती है वेस्टर्न घाट्स और इस साइड पे आती है ईस्टर्न घाट्स। जो ईस्टर्न घाट्स है वो थोड़ी बीच बीच में टूटी हुई है। क्यों टूटी हुई है? क्योंकि जो ईस्ट साइड पे बहुत सारी रिवर्स जो है वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू की जो ईस्टवर्ड स्लोप है वो थोड़ी जेंटल स्लोप है। डेक्कन प्लेट्यू ये रहा, ये वेस्टर्न घाट्स आ गया। वेस्टर्न घाट से जो ईस्ट की तरफ इसकी स्लोप है वो थोड़ी जेंटल स्लोप है। तो इस प्लेट्यू का जो सरफेस है वो डाइसेक्टेड हुआ है बहुत सारी रिवर की वजह से, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से, जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। तो इसलिए जो डेक्कन प्लेट्यू है वो डाइसेक्ट हुआ है रिवर्स की वजह से। ये रहा डेक्कन प्लेट्यू, ये सतपुरा माउंटेन्स है। सतपुरा के ऊपर आती है विंध्या रेंज। तो विंध्या रेंज के ये जो नीचे वाला एरिया है ये सारे का सारा क्या है? डेक्कन प्लेट्यू का एरिया है। ये रहा अनाई मुड्डी रेंज, जो कि हाईएस्ट है साउथ इंडिया की, जिसकी हाइट है 2695 मीटर। तो ये रही वेस्टर्न घाट्स और ईस्ट वाली साइड ये रही ईस्टर्न घाट्स, और ये वाली इसमें रिवर्स है जो डाइसेक्ट कर रही है डेक्कन प्लेट्यू को। जो ईस्टर्न एज है प्लेट्यू का उसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है डेक्कन प्लेट्यू का, उसमें हॉरिजॉन्टल शीट एक बिछी हुई है लावा की, जो कि कवर करती है महाराष्ट्र का एरिया। तो वहाँ पे एक शीट बिछी हुई है लावा की, इसलिए जो वहाँ पे सॉयल है वो ब्लैक सॉयल है। तो उस रीजन को क्या बोला जाता है? उस रीजन को बोलते हैं डेक्कन ट्रैप रीजन। जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू में बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती है ईस्ट की तरफ, जो कि बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। और ये वाली जो रिवर्स है ये ओरिजिनेट करती है वेस्टर्न घाट से, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है और ईस्ट की तरफ फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन हो जाती है, एंटर करती है। और मेन रिवर्स कौन सी है? यहाँ पे गोदावरी हो गई, महानदी होगी, कृष्णा एंड कावेरी, ये मेजर रिवर्स है जो कि ईस्ट कोस्ट की तरफ जाकर क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। और वेस्ट साइड पे कौन सी रिवर्स फ्लो करती है? वो है नर्मदा एंड तापी रिवर्स। ये दो रिवर्स है जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, मेजर रिवर्स। छोटी छोटी तो बहुत सारी रिवर्स और भी फ्लो करती है, और ये दोनों रिवर्स ही अरेबियन सी में एंटर करती है अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ गुजरात। ये रही रिवर्स, थोड़ा क्लियर नहीं है बट फिर भी चलो पता चल जाएगा। ये रही महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, जो कि बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर रही है। और इस साइड आ गई नर्मदा एंड तापी, जो कि अरेबियन सी में ड्रेन कर रही है। नर्मदा एंड सोन रिवर्स, जो ये दोनों रिवर्स है, ये ओरिजिनेट होती है अमरकंटक प्लेट्यू से, वहां से ओरिजिनेट होती है। जो सोन है, सोन गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और यहाँ के जो मेजर प्लेट्यू कौन कौन से है? मारवाड़ अपलैंड्स हो गया, सेंट्रल हाईलैंड्स हो गया, बुंदेलखंड हो गया, मालवा प्लेट्यू, बघेलखंड हो गया, छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू में कौन कौन से आ जाते हैं? हजारीबाग प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, राजमहल हिल्स हो गया, मेघालय प्लेट्यू हो गया, डेक्कन प्लेट्यू, महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटका, तेलंगाना एंड छत्तीसगढ़ प्लेन्स। तो यहाँ पे ये वाला जो प्लेट्यू है ये आगे बहुत छोटे छोटे प्लेट्यूज में बंटा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स की। कोस्टल प्लेन्स क्या है? जो वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट है हमारी, तो उसके साथ एक नैरो स्ट्रिप है फ्लैट लैंड की। जैसे कि ये रहा हमारा इंडिया, तो यहाँ पे जो ईस्टर्न, ये वाली जो वेस्टर्न कोस्ट है और ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे नैरो स्ट्रिप है एक फ्लैट लैंड की, जिसको बोलते हैं, जो ईस्ट साइड पे है उसको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और जो वेस्ट साइड पे है उसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो कहाँ पे लाई करती है? बिटवीन द अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स।
हमने देखा था ना अभी मैप पे, यहाँ पे आती है वेस्टर्न घाट्स और इस साइड आती है ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स और यहाँ पे आता है अरेबियन सी, अरेबियन सी के बीच में जो नैरो स्ट्रिप है फ्लैट लैंड की, उसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और जो ईस्टर्न घाट्स और यहाँ पे आता है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के बीच में जो नैरो स्ट्रिप है फ्लैट लैंड की, उसको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ये कहाँ पे लाई करती है, बिटवीन द अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स, और ये ऊपर नॉर्थ में गुजरात से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक फैली हुई है। ये नॉर्थ में थोड़ी ब्रॉडर है और साउथ में आते आते नैरो हो जाती है। अनइवन प्लेन्स है और ये डाइसेक्ट करते हैं थ्रू फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स बहती है जिसकी वजह से ये बीच में कट जाते हैं, डाइसेक्ट हो जाते हैं। जो यहाँ इसका नदरन पार्ट है वो गुजरात से लेकर जो गोवा तक का, जो गुजरात से लेकर गोवा तक का पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, कोंकण। जो साउथ में गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक का पार्ट है उसको बोलते हैं मलबार। अभी थोड़ी देर में हम इसको मैप पे भी देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लगून्स भी हैं। लगून क्या होता है, सॉल्ट वाटर लेक होती है जो सेपरेट होती है मेन सी से बाय सैंड बार्स एंड स्पिट्स, उसको बोलते हैं लगून्स। लगून्स बेसिकली सॉल्ट वाटर लेक्स ही होती है और ये मेन सी से सेपरेट होती है बाय सैंड बार्स एंड स्पिट्स, और ये कोस्टल प्लेन्स के साथ देखने को मिलती है। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी हैं। कौन कौन से हैं, कांडला पोर्ट हो गया, मुंबई पोर्ट हो गया, न्यू जवाहर पोर्ट हो गया, मरमगांव हो गया, मैंगलोर एंड कोचीन। नेक्स्ट बात करते हैं ईस्ट कोस्टल प्लेन्स की। जो ईस्ट कोस्टल प्लेन्स है ये वेस्ट की, जैसे वेस्टर्न थी, वेस्टर्न ईस्ट सॉरी जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है उससे थोड़ी ब्रॉडर है। वेस्ट वाली नैरो थी, जो ईस्ट वाली है ये थोड़ी ब्रॉडर है ये वाले प्लेन्स, और ये स्प्रेड होती है बे ऑफ बंगाल फ्रॉम उड़ीसा इन द नॉर्थ, नॉर्थ में उड़ीसा से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक ये फैली हुई है। इसका जो नदरन पार्ट है उसको बोलते हैं नदरन सिरकास प्लेन्स, और जो सदरन पार्ट है उसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। और यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स है, जैसे महानदी होगी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, जो के डेल्टा बनाती है। और ये जो कोस्ट है, ईस्ट कोस्टल प्लेन्स है, ये राइस कल्टीवेशन के लिए फेमस है। अब राइस कल्टीवेशन के लिए बहुत सारा पानी चाहिए और यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ बहती है जिसकी वजह से यहाँ पे राइस कल्टीवेशन होती है। यहाँ पे भी बहुत सारे लगून्स बनते हैं, जैसे कि चिली का लेक हो गई, पुलिकट लेक हो गई। ये रहा हमारा कोंकण कोस्ट, मलबार कोस्ट। गुजरात से लेकर जो गोवा तक का रीजन है उसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट, गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक का जो है उसको बोलते हैं मलबार कोस्ट। और ये रहा नदरन सरकास और ये रहा कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ पे ये आइलैंड ग्रुप्स हो गए लक्षद्वीप, और इस साइड पे आ जाएगा अंडेमान एंड निकोबार। ये रहा डेक्कन प्लेट्यू, ये रहा विंध्या रेंज जिसकी हमने अभी बात करी थी। ये है मेजर पोर्ट्स इंडिया के, कांडला पोर्ट हो गया, मुंबई पोर्ट हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, मरमगांव, मैंगलोर, कोचीन, यहाँ पे तुतिकोरिन हो गया, चेन्नई हो गया, विशाखापट्टनम, पैरादीप एंड कैलकाता। इसको नॉर्थ टू साउथ इसका रट्टा लगा लेना, क्योंकि कई बार नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने आ जाते हैं मेजर पोर्ट्स इंडिया के। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट की। ग्रेट इंडियन डेजर्ट अरावली के वेस्ट साइड पे है। बेसिकली ये राजस्थान का मेजर पार्ट कवर करता है इंडिया में, और पाकिस्तान में सिंध का पार्ट कवर करता है। यहाँ पे डेजर्ट में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि जो अरावली रेंज है ना वो साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स के पैरेलल है। जैसे कि यहाँ से मानसून आ रही है इंडिया में, तो ये वाली जो अरावली है इसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह की है। जैसे ये इंडिया आ गया, इंडिया का ये वाला कुछ जो गुजरात वाला पार्ट हो गया ये ऊपर आ गया, कुछ इस टाइप का, अच्छी नहीं बनी डायग्राम। तो ये वाला जो अरावली है ना, ये जो यहाँ पे मानसून विंड्स आती है, साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स आती है, तो इसके ये पैरेलल है, तो इसके साथ ही यहाँ से मानसून जो है साथ में होकर निकल जाती है। तो अब बारिश होने के लिए क्या चाहिए, अगर अरावली की डायरेक्शन ऐसे ना होने की बजाय कुछ ऐसे होती, तो यहीं पे जो मानसून आती, मानसून विंड्स आती, इसके साथ टकरा के यहीं पे बारिश कर देती और यहाँ पे बन जाता डेजर्ट। अब अरावली की जो डायरेक्शन है इसके पैरेलल है, इसके चलते हुए यहाँ पे डेजर्ट है, बारिश नहीं होती। बारिश होती है आगे जाकर जहाँ पे हिमालयस आते हैं। तो जो ये वाला एरिया है ये लाई करता है बे ऑफ बंगाल करंट के रेन शैडो एरिया में, और यहाँ पे एक लेक सांबर भी है।
नेक्स्ट आते हैं आइलैंड ग्रुप्स। आइलैंड ग्रुप्स कौन कौन से हैं? एक हो गया अंडमान निकोबार और एक हो गया लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है वो कहाँ पे पड़ता है? वो आता है अरेबियन सी पे, और यहाँ पे 36 कोरल आइलैंड्स है, और ये लोकेट कहाँ पे करता है? 300 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। केरला कोस्ट से 300 किलोमीटर वेस्ट की साइड है जो लक्षद्वीप आइलैंड है। और इसके बाद आते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स। अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप्स में पड़ते हैं 572 आइलैंड्स। इसमें जो ज़्यादातर आइलैंड्स है वो अनइनहैबिटेड है, मतलब वहाँ पे कोई भी नहीं रहता, कोई पॉपुलेशन नहीं है वहाँ पे, कोई भी इंसान नहीं रहता। जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो वॉल्केनिक ओरिजिन का है, और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो है कोरल आइलैंड। ये बात याद रखनी है, लक्षद्वीप आइलैंड कोरल आइलैंड है, अंडमान निकोबार वॉल्केनिक ओरिजिन का आइलैंड है, और ये सेपरेट होता है बाय 10 डिग्री चैनल। क्यों? क्योंकि जो 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है वो अंडमान और एंड निकोबार आइलैंड के बीच में से पास करता है। नेक्स्ट आता है क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब जो इंडिया कंट्री है बहुत वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी बड़ी कंट्री है, जहाँ पे बहुत सारे रिलीफ फीचर्स मिलते हैं। इसके चलते हुए यहाँ के क्लाइमेट में भी बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिलती है। अगर कंट्री के इंटीरियर में देखें, स्पेशली नॉर्थ में, तो नॉर्थ में कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलेगा। अगर कोस्टल एरियाज में चले जाएँ तो वहाँ पर थोड़ा इक्वेबल क्लाइमेट देखने को मिलेगा। माउंटेन एरियाज में चले जाओगे तो ऑल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग वहाँ का क्लाइमेट चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे हाइट पे जाओगे वैसे वैसे क्लाइमेट चेंज होता जाएगा। तो अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल अगर हम देखें तो वो भी बहुत वेरी करती है, किसी जगह बारिश ज़्यादा होती है, किसी जगह कम होती है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो जून महीने में अगर राजस्थान का टेम्परेचर देखेंगे तो राजस्थान में जून महीने में हाईएस्ट टेम्परेचर होता है 55 डिग्री सेल्सियस। बट अगर हम लोएस्ट टेम्परेचर की बात करें तो द्रास एंड कारगिल जैसे एरियाज में, वहाँ पे जनवरी में जो रात का टेम्परेचर है वो रहता है -45 से लेकर -50 डिग्री तक चला जाता है। तो यहाँ पे इंडिया में सिर्फ एक ही कंट्री में, इंडिया के अंदर अंदर ही हाईएस्ट टेम्परेचर कितना देखने को मिल सकता है? 55 डिग्री तक, और लोएस्ट -45 से लेकर -50 डिग्री तक टेम्परेचर मिल सकता है। और इसके अलावा मेघालय में मौसिनराम एंड चेरापूंजी में अगर हम रेनफॉल की बात करें तो मौसिनराम में कितनी रेनफॉल होती है? 11,873 mm तक की रेनफॉल होती है मौसिनराम में, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। और अगर हम बात करें चेरापूंजी की तो चेरापूंजी में होती है 11,430 mm रेनफॉल होती है, ठीक है, जो कि हाईएस्ट रेनफॉल है, ठीक है, मौसिनराम एंड चेरापूंजी में हाईएस्ट रेनफॉल है इंडिया में। और दूसरी साइड अगर हम थार डेजर्ट की बात करें तो थार डेजर्ट में जो एनुअल रेनफॉल होती है वो 500 mm से भी कम होती है। अब देखो हाईएस्ट रेनफॉल 11,873 mm तक होती है, और लोएस्ट जो रेनफॉल होती है वो 500 mm से भी कम तक चली जाती है। तो अगर हम मलबार कोस्ट की बात करें जो केरला के पास पड़ता है, वहाँ पे जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। हम बात कर रहे हैं एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर की, ठीक है। तो मलबार कोस्ट के पास जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बट अगर हम बात करें कंट्री के इंटीरियर की, लाइक हिसार हो गया, अंबाला हो गया, वहाँ पे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ पे भी बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे सॉइल। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।